अंशुमान को मिशन पटाया जुलाई 26 रु 30 जाए थाईलैंड रे पटाया शहर रे अनुसूचित हेबाकु थिबा आईएसटीएफ वर्ल्ड टूर सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप 2023 रे भारत को प्रतिनिधित्व करिवे अंशुमान बाबू। भुवनेश्वर भेंकटेश्वर इंग्लिश मीडियम स्कूल ले पढ़ुथिबा अंशुमान एही प्रतियोगिता रो 18 वर्षरु कम वर्ग रे देश को प्रतिनिधित्व करिवे। पूर्वरु विभिन्न जातीय स्तरीय प्रतियोगिता रे सफलता हासिल करथिबा अंशुमान एही प्रतियोगिता रे मेडल जीति एशियन गेम पई हेबाकु थिबा कैंप रे निजर स्थान पक्का करबाकु प्रयास आरंभ करछथिन। जूनियर नेशनल पई सिलेक्ट हेतिलि तापर एही वर्ष आम केटी ग्लोबल हेतला सीनियर नेशनल तो सही दुईटा रे मु भलो परफॉर्म करथिलि तो सेथरु मोर सिलेक्शन हेछि इंटरनेशनल आईएसटीएफ इंटरनेशनल वर्ल्ड सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप 2023 पटाया थाईलैंड रे। मु एठु ओडिसा रु अंडर 18 कैटेगरी रिप्रेजेंट करिवि इंडिया को। कोच मोहम्मद आजम को तत्वावधान रे दैनिक अभ्यास आरंभ जारी रखिछन्ति अंशुमान। स्कूल कर्तृपक्ष अंशुमान को एही सफलता रे खुशी व्यक्त करबा सह थाईलैंड रे सफलता हासिल करी राज्य तथा देश पई गौरव आनिबाकू शुभेच्छा दैछन्ति। अंशुमान बाबू जे हम स्कूल पढ़ुछन्ति पिला से बहुत उन्नति करंतु सॉफ्ट टेनिस बहुत भल भाव से खेलुचंदी बहुत भल प्रैक्टिस करुचंदी जेतु से नेशनल खेलुचंदी मु प्रार्थना करुची जे कि से इंटरनेशनल खेलिकी गोल्ड मेडल पाँतु। टेनिस कोर्ट करके रेगुलर से प्रैक्टिस करे तापर 2022 मसीह जो आसली सिलेक्शन ट्रायल में डाकिली से जूनियर नेशनल भल नकल से भल खेली ऑल इंडिया रे 26 राज्य खेल सॉफ्ट टेनिस बहुत टफ कंपटीशन से भी से भल टीम संगे जीती देते आज भारतीय टीम से सामिल है मुझे बहुत ओडिशा सेक्रेटरी कोच हिसाब से बहुत गर्वित आई मुझे बर्तमान सैम मिटाली को धन्यवाद देवी। तो यार प्राउड कि हम अंशुमन के साथ एक लॉन्ग टर्म एसोसिएशन करेंगे एंड वी ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड कि हम ऐसे ही सेम काइंड ऑफ पीपल दोज फॉर्मिंग मोटिवेटिंग और जो स्पोर्ट्स में करना चाहते हैं तो हम उनको सपोर्ट करते रहेंगे लॉन्ग टर्म में। प्रथम टेनिस खेलुथबा अंशुमान एबे सॉफ्ट टेनिस रे निजरो कैरियर करबाकु प्रयास जारी रखछन्ति। अंतरजातीय प्रतियोगिता रे सफलता हासिल करी देश पई अंतरजातीय मेडल जितिबा तांकर लक्ष्य। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन देवेंद्रंक सह सुशांत साहूंक रिपोर्ट अर्गस न्यूज।